हत्या। नेता प्रतिपक्ष निगम जावेद परिहार की अगुवाई में ये प्रदर्शन किया गया। तो ये झड़प की तस्वीरें देख रहे हैं आप। यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ, पुलिस और कार्यकर्ताओं में तीखी झड़प भी देखने को मिली। देखिए आप, महिला कार्यकर्ताएं भी मौजूद हैं, महिला पुलिस बल भी मौजूद है और इसके साथ झड़प की स्थिति भी नजर आ रही है साफ तौर पे। मामला है राफेल डील को लेकर ये विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, कांग्रेस युवा मोर्चा की ओर से ये प्रदर्शन किया जा रहा था। नेता प्रतिपक्ष निगम जावेद परिहार की अगुवाई में ये प्रदर्शन चल रहा था। तो ये बीकानेर से तस्वीरें आ रही हैं यूथ कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन, जहां पुलिस के साथ झड़प की तस्वीरें। चलिए ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी रौनक व्यास इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। तो रौनक, ये झड़प की भी तस्वीरें आ रही हैं और अभी क्या स्थिति है? देखिए मैं आपको बताऊं, राफेल मामले को लेकर कांग्रेस आज पूरी तरह से सड़कों पर नजर आई और कहीं ना कहीं एक गुस्सा जो है, अब चूंकि चुनाव करीब है, ऐसे में कोई भी मुद्दे को लेकर अब कांग्रेस जो है उसे भुनाना नहीं चाहती। ऐसे में आज जमकल कलेक्ट्रेट कार्यालय पर उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान जो है पुलिस कर्मियों के साथ जो है वो कार्यकर्ताओं की झड़प हुई और ये मामला जो है लगातार बढ़ता नजर आया, तो भारी जाब्ता जो है वहां पर तैनात किया गया। अगर मैं बात करूं, अभी भी स्थिति जो है तनावपूर्ण है, फिलहाल मौके पर पुलिस तैनात है और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भारी रोष जो है वो यहां पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि हालात जो है वो बिगड़ते नजर आ रहे हैं। जी जी रौनक, आप नजर रखिएगा, ये तस्वीरें हैं बीकानेर से जहां झड़प की भी तस्वीरें सामने आई है। राफेल डील को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस युवा मोर्चा की तरफ से ये तमाम कार्यकर्ता। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद स्थिति थोड़ी झड़प में तब्दील जरूर नजर आई। बहरहाल रौनक, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।